हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं ब्लैक एक्स वाई जी में। गाइज, आज हम देखने वाले हैं कि एक टेलीविजन के अंदर क्या होता है जो कि है यहां पर थोड़ा सा भारी है। और दोस्तों, ये जो टीवी है ये एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और लगभग 20 से 25 साल पुराना ये टेलीविजन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर का राज। तो गाइज, ये है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और अगर इसके चलने की बात करें तो भाई इसमें जो वीडियो है वो सही नहीं आ रही, इसकी जो डिस्प्ले है वो खराब होगी लगभग, लेकिन जो स्पीकर है वो बिल्कुल सही है, आवाज बिल्कुल अच्छे से आती है। और दोस्तों, इस टीवी में जो खास बात है वो ये है कि ये 230 वोल्ट यानी कि 230 वोल्ट एसी के अलावा 12 वोल्ट डीसी से भी चलता है। जब पहले टाइम में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी तो उस वक्त जो है 12 वोल्ट आप बैटरी इसमें लगाकर इसको डायरेक्ट चला सकते थे, तो उस टाइम पे काफी कन्वीनियंट थी ये चीज। गाइस, मैं सोच रहा हूं कि इसको काटने से अच्छा रहेगा कि हम इसके स्क्रू को अगर खोल लें तो हम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि आप देखिए एक स्क्रू है इसके अंदर, क्योंकि अगर हम इसको काट देते हैं ना तो हो सकता है सारी चीजें बाहर अच्छे से ना निकल पाए या फिर कुछ टूट जाए। तो दोस्तों, खुला हुआ 20 साल पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है आपके सामने पेश और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो स्पीकर साफ साफ समझ में आ रहे हैं कि ये है इसके स्पीकर। और अगर सामने की तरफ देखें तो भी हमें यहाँ पर जो है आइडिया लग जाएगा कि स्पीकर जो है यहीं पर है। और दोस्तों, यहाँ पर बीच में ये वाली जो चीज़ है गोल जो कि यहाँ तक आगे तक निकली हुई है, आप देखिए इधर जो है कुछ ऐसे निकली हुई है, ये है इसकी पिक्चर ट्यूब जो कि होती है एक कैथोड रे ट्यूब, जिसको कि स्मॉल में बोलते हैं CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। और भाई इसके नीचे है काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो स्पीकर हैं पहले उनको हम निकाल लेते हैं या फिर जो पिक्चर ट्यूब है उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें यहाँ पर कुछ स्क्रूज हैं, दो नीचे हैं और दो ऊपर हैं। यहाँ पर दोस्तों है इसका एक एलिमिनेटर यानी कि ट्रांसफॉर्मर, और भाई इलेक्ट्रॉनिक्स तो इस चीज़ के अंदर होना ही है। तो गाइस, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्लोजअप में। और मैंने इसका जो कवर है उसको हटाने के बाद में जो स्पीकर के स्क्रूज हैं उनको खोल लिया और जो दोनों स्पीकर हैं वो हट गए हैं यहाँ से, और आपको जो है होल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे दोनों। इसके पीछे है इसकी जाली और दोस्तों यहाँ पर है इसकी पिक्चर ट्यूब जो कि है एक CRT जैसा मैंने पहले बताया। और दोस्तों, ये जो है बनी हुई है कांच की, आप जो है इसकी आवाज़ सुन सकते हैं और मैं ज़्यादा जोर से नहीं मारना चाहता क्योंकि ये टूट सकती है। तो गाइस, चारों स्क्रूज को मैंने खोल लिया है और अब करते हैं इसको बाहर निकालने की कोशिश। दोस्तों, ये कांच की है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और भाई इसको तो मोड़ना ही होगा हमें इसके लिए। लेकिन जो हमारी पिक्चर ट्यूब है वो आ गई है दोस्तों बाहर, और जो पूरी स्क्रीन है ना वो आपके सामने आ गई है। अरे यार, लेकिन जो तार हैं वो थोड़े छोटे हैं मुझे लग रहा है, तो इनको हम काट लेते हैं, हमारे कोई खास यूज़ के नहीं है ये तार। तो गाइस, मैंने इस पिक्चर ट्यूब को निकाल लिया है बाहर। और दोस्तों, ये जो स्क्रीन है ये एक 36 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, यानी कि इसकी जो ये लंबाई है जो डायगोनल है वो 36 सेंटीमीटर का है, काफ़ी छोटा है, लेकिन यार उस टाइम के हिसाब से 1990-95 के हिसाब से तो काफ़ी बड़ी डिस्प्ले थी, और भाई टीवी देखने को मिल जाए वही बहुत होता था उस टाइम में तो। और यार, यही वो चीज़ है, यही टेलीविज़न वही चीज़ है जिसने कि पूरी जिंदगियां लोगों की बदल के रखती। जो टाइम किन्हीं चीज़ों में लगता था वो सब इसको देखने में लग गए। और ख़ास बात इसमें भी ये है कि ये एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, पूरा कांच का बना हुआ है, आगे पीछे से दोनों साइड से आप देख सकते हैं। गाइस, ये जो ट्यूब है ये एक कैथोड रे ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड दूसरा होता है कैथोड। एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे पे जाते हैं, टकराते हैं और हमारी इमेज को प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरोसेंस के जरिए। तो इस तरीके से हमें इस डिस्प्ले के ऊपर जो है वीडियो वगैरह देखने को मिलती है, जो भी हम देखना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर हम देखें इस ट्यूब के पीछे की तरफ तो यहाँ पर है भाई एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर जो कि मुझे लगता है पैदा करती है इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पर जो है जाकर के टकराते हैं इस टर्मिनल पे। गाइस, मैंने सुना है कि ये जो पिक्चर ट्यूब होती है ये एक्सप्लोड कर सकती है, यानी कि फट सकती है, इसमें विस्फोट हो सकता है अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर ये गिर जाती है। तो मुझे यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम इसको खोल करके ज़रूर देखेंगे, इसको तोड़ करके देखेंगे इसके अंदर क्या है, लेकिन पूरी सावधानी से। और आप मेरे हाथ भी देख सकते हैं बिल्कुल काले हो गए हैं इस चीज़ से लग करके। तो चलिए अब इस ट्यूब को खोलते हैं, लेकिन पूरी सावधानी से, और आप बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने घर पर या कहीं भी ट्राई मत कीजिएगा। तो गाइस, आपने देखा कि जैसे ही ये पिक्चर ट्यूब नीचे गिरी वैसे ही इस सारे कांच के टुकड़े टुकड़े यहाँ पर हो गए, और मैंने ये क्लॉथ यहाँ पर बिछा दिया था ताकि जो कांच है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। आप देखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस यहाँ पर हो गए हैं चारों तरफ। और अगर दोस्तों इसमें हम देखते हैं तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर है इसके पीछे जो चीज़ लगी हुई थी ये वाली, और दोस्तों ये जो ट्यूब है इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्सा पहले टूट गया था जब मैं इसको ऊपर ले जा रहा था गिराने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, और भाई कांच है, मैं ज़्यादा हाथ नहीं डालना चाह रहा इसमें,
लेकिन अगर हम देखेंगे इसके अंदर की तरफ तो एक सिल्वर पॉलिश जैसी चीज हमें दिखाई देती है। पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो ये तो था जो हमें दिख रहा था पिक्चर ट्यूब काला वाला पार्ट, और इधर जो है सिल्वर वाला पार्ट है अगर आप देख सकते हैं इसको। और दोस्तों ये था इसका फ्रेम जो कि शायद लोहे का बना हुआ है। इसके अंदर ये थी, ये है इसकी स्प्रिंग, और बाकी पूरा कांच ही कांच हो गया है। अंदर की तरफ से पूरा सिल्वर कलर का है आप अगर इसको देखेंगे तो। भाई ये था इस पिक्चर ट्यूब के अंदर। तो यार इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए इसके एक बार गिरने से ही, तो दोस्तों बहुत सारा कचरा हो गया। मैं करता हूँ इसको साफ, आप कीजिए वीडियो को लाइक। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ब्लेड XYZ को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।